भारत की पिछले 9 वर्षों की विकास यात्रा है, तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की मिसाल। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में तेजी से विकसित होते भारत की नई पहचान से जुड़ी है भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर। हमारी रेल आज लगातार आधुनिक, तेज, अधिक सुरक्षित और समावेशी हो रही है। इस बदलती समर्थी रेलवे को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है मेक इन इंडिया की शानदार प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये ट्रेन प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का और भारतीय रेलवे की नई पहचान का। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली, सदियों पुराना संबंध है इन दोनों का और अब भोपाल और दिल्ली एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो रही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉकबैक, कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनेमिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की नई पहचान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं शुभारंभ।